आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारत सरकार के सूचना प्रसारण व खेल मंत्री और प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर मीडिया से हुए रूबरू, कहा वही हवा है वही सपा है, जनता जिनसे खफा है। उत्तर प्रदेश की जनता से किया आह्वान, कहा जिन लोगों ने राम भक्तों को गोलियों से भुना, कर दो उनका ईवीएम सुना। राज्यसभा सदस्य एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल ने सपा पर किया जोरदार हमला, कहा आतंकवादियों की पैरवी और माफिया अपराधियों को संरक्षण देने की है समाजवादी पार्टी की नीति। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण का जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने किया औचक निरीक्षण, कहा कोशिश है कि मतदान कार्मिक एक अच्छे वातावरण में मतदाताओं के प्रति अपने दायित्व का करें निर्वहन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मीडिया से हुए रूबरू, कहा 11 मार्च के बाद फर्जीवाड़ा करने वाले हिजाबवादी, जिहादवादी, संप्रदायवादी, जातिवादी, वंशवादी लोगों का यूपी से पलायन होना है सुनिश्चित। कूड़ा बना कंचन तथा गोरखपुर शहर को नंबर वन बनाने के लिए शहर के कबाड़ी तथा कबाड़ खरीदने वालों के साथ नगर निगम ने की बैठक, कहा नगर निगम का रोल बस इतना है कि ना किसी से पैसा लेंगे ना देंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग मीडिया से हुए रूबरू, कहा मोदी योगी राजनीति में है सुचिता, ईमानदारी व जन विश्वास के प्रतिमान, योगी आदित्यनाथ को दोबारा सीएम बनते देखना कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों की है इच्छा। सौरभ विश्वकर्मा एवं चंदन विश्वकर्मा के घर पर जिला बदर की गई मुनादी एवं नोटिस हुआ चस्पा, 6 माह तक के लिए महाराजगंज जिले में लगानी होगी रोज हाजिरी, गोरखपुर जनपद में 6 माह तक नहीं करना है प्रवेश। गोरखपुर में शुक्रवार को पाए गए 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 262, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और दी कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा वर्तमान परिदृश्य में अधिवक्ता समाज की भूमिका पर आयोजित हुआ व्याख्यान, कहा विश्व में कहीं भी अन्याय एवं अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए आगे आए हैं अधिवक्ता ही।